देख रहे हैं gumaasan.com, मैं हूं आपके साथ बागीशार। आज हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस में शामिल होने के बाद से सुर्खियों बनी हुई है। कांग्रेस ने उन्हें मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी से होगा। उर्मिला ने शनिवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है। हालांकि इसके कुछ देर बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जाने लगा। देखिए इस खास खबर में। दरअसल उर्मिला मातोंडकर ने खुद से 9 साल छोटे कश्मीरी मुस्लिम युवक से शादी की है। उनके पति का नाम मोहसिन अख्तर मीर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्मिला के निकाह के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया था। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम मरियम अख्तर मीर रख लिया था। ट्रॉलर्स उर्मिला को इसी को लेकर ट्रॉल कर रहे हैं। उर्मिला के विकिपीडिया प्रोफाइल पेज पर किसी ने उनका नाम, धर्म और बाकी जानकारियां एडिट कर दी है। उर्मिला का नाम मरियम अख्तर मीर लिखा है। उन्होंने कश्मीरी मुस्लिम बिजनेसमैन और मॉडल मोहसिन अख्तर मीर से साल 2015 में शादी की थी। यही नहीं, ट्रॉलर्स ने उर्मिला मातोंडकर के परिवार को लेकर भी आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, जिसके बाद उर्मिला के पिता श्रीकांत मातोंडकर ने ट्रॉलर्स को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया के कुछ खराब एलिमेंट्स का काम है, ये बहुत घिनौना है। उन्होंने बेटी के लिए ये भी कहा, उर्मिला को इन ट्रॉलर्स से परेशान नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी वैचारिक लड़ाई लड़नी है।